हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ डीआईबीईआर 2023 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, इसकी जो वैकेंसी आई है, अप्रेंटिस की पोस्ट नोटिफिकेशन आया है। टोटल जो वैकेंसी है 32 वैकेंसी आउट हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ 29 नवंबर 2023 से, लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2023। इनका जो टाइम पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है। लोकेशन उत्तराखंड है। पोस्ट है अप्रेंटिस की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32। पे स्केल आपको मिलेगा 7000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको आईटीआई कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट डिग्री हो तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए और तो ही आप इजीली एलिजिबल कर सकते हो। इसके अंदर आपको नॉर्मल मेरिट के बेस पर होगा, नहीं तो रिटेन टेस्ट, नहीं तो इंटरव्यू के बेसिस पर इनका सिलेक्शन होता है। इसके अंदर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पेमेंट नहीं करना है। आप कैसे अप्लाई करोगे इसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। उनकी जो वेबसाइट है www.apprenticeshipindiaindia.org। ये जो पोर्टल है एमएचटी का पोर्टल है, वहां पे आपको न्यू अकाउंट बनाना है अप्रेंटिस सेक्शन से। नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट लाइकली, तुम्हारा जो कोई भी नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपली आपको पहले अकाउंट बनाना है प्रॉपर तरीके से, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपलोड करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी और जेपीजी में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।